रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पहले प्रीवियस सेशन अटेंड कर चुके हैं। सो जो बेसिकली ये सेशन है, दिस इज अबाउट इंस्टेंट फ्रीलांसिंग स्किल्स। फ्रीलांसिंग में आप सबको पता है कि आप अपने स्किल को सेल करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। कुछ मेन स्ट्रीम स्किल्स होती हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की जो स्किल है मेन स्ट्रीम है, वेब डेवलपमेंट की स्किल जो है मेन स्ट्रीम है, कंटेंट राइटिंग की स्किल मेन स्ट्रीम है। अगर आप लोग मेन स्ट्रीम स्किल्स आपके पास नहीं है, आपने लर्न नहीं की हुई, आपका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है, तो कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो इन मेन स्ट्रीम स्किल का ही हिस्सा हैं, जिनको हम इंस्टेंट स्किल बोलते हैं, जो आप विद इन एन आवर लर्न कर सकते हैं, 1 घंटे में या उससे भी कम टाइम में आप ये स्किल लर्न करके अपनी फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा नाम राबिया अब्बास है, मैं लास्ट 11 ईयर से एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ। 3 मेजर प्लेटफॉर्म से मैंने काम किया है, फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर, और तीनों जगह पे आई हैव बीन टॉप रेटेड। सो जो इंस्टेंट स्किल के सेशन का मकसद है वो ये है कि आप लोगों को वो स्किल्स सिखा दिए जाएं जो चाहे आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तब भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने अपनी फ्रीलांसिंग के करियर को स्टार्ट करना है आप तब भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट सेशन में जो हमने एक अपनी बहुत इन डिमांड इंस्टेंट स्किल जो लर्न की थी वो थी मॉकअप प्रोडक्शन, कि आप कैसे फोटोशॉप मॉकअप क्रिएट करते हैं और उसको डिलीवर कैसे करते हैं। आज की जो हमारी स्किल है वो है लोअर थर्ड्स। किसी को आइडिया है सेशन में कि लोअर थर्ड क्या होता है? एनी आइडिया, किसी स्टूडेंट को पता हो कि लोअर थर्ड क्या होता है? अच्छा, इंस्टेंट स्किल की मजे की बात यह, एक तो इट इज ईजी टू लर्न, दूसरा ये हाईली इन डिमांड स्किल्स होती है, होती है आपके मेन स्ट्रीम स्किल सेट से ही है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट मॉकअप का स्किल था वो भी आपके ग्राफिक डिजाइन से था, आज का जो हमारा स्किल है ये भी हमारे ग्राफिक डिजाइन में से ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि लोअर थर्ड, अभी तक किसी ने भी नहीं बताया चैट में कि लोअर थर्ड क्या होते हैं। अभी हम देखेंगे लोअर थर्ड क्या होती है। इट इज हाईली इन डिमांड स्किल नाउ अ डेज। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपका ग्राफिक्स का बैकग्राउंड है, आप तब भी इस स्किल को सेल कर सकते हैं। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो आज के सेशन के बाद ये स्किल लर्न करके आप प्रैक्टिस करें तो यू विल बी एबल टू सेल इट। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। पहले हम ये देख लेते हैं कि लोअर थर्ड्स होते क्या है, क्यों इन डिमांड है, देन हम देखेंगे हम लोअर थर्ड्स जो है डिजाइन कैसे करते हैं, बिकॉज ये जो स्किल है ये आपके ग्राफिक डिजाइन का स्किल है। इंस्टेंट स्किल्स को सेल करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो फाइवर है। एज अ बिगनर आप लोग फाइवर से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इंस्टेंट स्किल्स को सेल करने के लिए। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको क्लाइंट से डील करना आ जाएगा, देन आप जो बाकी ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं अपवर्क, पीपल पर आर, गुरु, फ्रीलांसर, इन पे भी आप इन स्किल्स को सेल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के जो नेक्स्ट सेशन होंगे उसमें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे काम कैसे करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल पे काम कैसे करते हैं। लेकिन वो सब हम अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ स्किल्स हैं उस पर ग्रिप कर लेंगे, ताकि जब हम अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करें तो हमारे पास कुछ स्किल्स हों जिनको हम परफॉर्म कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं लोअर थर्ड्स क्या होती हैं। जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में हैं उनको पता होगा, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कि आजकल जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे ब्रोशर्स के, फ्लायर्स के प्रोजेक्ट्स बहुत कम होते हैं। वहां पे आपके ब्रोशर्स के प्रोजेक्ट बहुत कम होते हैं, आपके ट्रेडिशनल डिजाइन के प्रोजेक्ट बहुत कम होते हैं। उसकी जगह वो स्किल्स आ गए हैं जो आजकल जिस पे लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लोग किस पे काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स में उनको क्या चाहिए होता है, प्रोडक्ट मॉकअप अपने स्टोर्स पे लगाने के लिए। अब जो लोअर थर्ड्स का स्किल है ये हमारा रिलेट करता है वीडियो से। वीडियोज हाईली इन डिमांड स्किल है। 2020 का जो ईयर है इट इज अबाउट 3 स्किल्स। फर्स्ट वन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेकेंड वन इज वीडियो एडिटिंग, और थर्ड वन जो है वो आपके पास कॉन्टेंट राइटिंग है। अगर आपकी इन तीनों स्किल्स पे ग्रिप है तो दिस ईयर इज फॉर यू। फ्रीलांसिंग में जैसे वो अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, कौन इस क्वार्टर में कौन सी जो स्किल्स इन डिमांड जा रही हैं, अपवर्क के अकॉर्डिंग, पायनियर के अकॉर्डिंग और फाइवर के अकॉर्डिंग, ये जो 3 स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, इट्स हाई इन डिमांड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन तीनों स्किल्स पे ग्रिप हासिल कर ले, अपना टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें, वो भी एक अच्छी बात है। अगर टाइम है, जो कि आजकल सबके पास है, तो आप जरूर इन स्किल्स पे ग्रिप लें। लेकिन स्टार्ट करने के लिए आप इनके छोटे छोटे पार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वीडियो एडिटिंग
को ही अपना फोकस करना है वीडियो एडिटिंग पे, तो आप लोअर थर्ड से स्टार्ट कर ले। वीडियो एडिटिंग तो बहुत बड़ा स्किल है ना, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। एक पार्ट है लोअर थर्ड। लोअर थर्ड्स क्या होती हैं, आपने देखा होगा जो होती हैं हमारी यूट्यूब वीडियोस। बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी अब यूट्यूब पे कन्वर्ट हो गए हैं। यूट्यूबर्स बहुत सारे, व्लॉगर्स बहुत सारे हैं, जो टाइटल में नीचे बॉटम में आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। पहले गूगल पे चेक कर लेते हैं कि लोअर थर्ड क्या होती है, फिर हम देखते हैं कि लोग इसमें ऑफर क्या कह रहे हैं। ये आपके लोअर थर्ड्स होते हैं, दिस वन। लेट मी ओपन दिस अनदर विंडो। वेरी इजी टू डिजाइन। एक लोअर थर्ड डिजाइन करने में आपको हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं, और अगर 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट करके आप एज अ बिगनर $5 से $10 अर्न कर रहे, तो दिस इज नॉट अ बैड स्टार्ट। अच्छा, लोअर थर्ड्स में यूजुअली होता है वीडियो में जो प्रेजेंटर है उसकी इन्फॉर्मेशन, या आपके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जब हेडलाइंस चल रही होती हैं, न्यूज चल रही होती हैं, तो जो नीचे एक बार चलती है जिसपे चैनल का नाम, एंकर का नाम या प्रोग्राम की डिटेल्स आ रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ लोअर थर्ड। इस तरह से उसका फॉर्मेट होता है। ये पिक्चर्स टू स्मॉल। चलिए फाइबर पे देखते हैं कि लोग लोअर थर्ड्स में क्या ऑफर कह रहे हैं। जो इंस्टेंट स्किल होती है, जो हाईली इन डिमांड स्किल होती है, उसका कंपटीशन बहुत कम होता है। जैसे कि आप देखो कि इस स्किल का कंपटीशन अभी कितना है, जस्ट 200 सर्विसेज अवेलेबल। सिर्फ 200 लोग जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और YouTube के स्टैट्स हैं कि इस क्वारंटीन के टाइम में YouTube का वॉच टाइम 3 times इंक्रीज हो गया। अब हर वीडियो के लिए हर सेपरेटली दे नीड लोअर थर्ड्स। तो अगर आप लोअर थर्ड्स की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करें, तो आप देखें कि मार्केट में कितनी ज़्यादा डिमांड है इस सर्विस की। कंपैरेटिवली अगर हम एक बहुत ही मेन स्ट्रीम जो स्किल है उसको सर्च कर लें, लोगो डिज़ाइन को, तो उसका कंपटीशन कितना है, 91,000। कितना भी अच्छा आप लोगो डिज़ाइन कर लेंगे, कितनी भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन आपका कंपटीशन 90,000-91,000 लोगों के साथ होगा, जिसमें आपका टाइम भी बहुत लगेगा लोगो डिज़ाइन करने में। तो विल बी स्मार्ट, हम स्टार्ट करेंगे, हम इंस्टेंट स्किल सेल अपना जो है सेल करेंगे, हम लोगो डिज़ाइन नहीं सेल करेंगे, बिकॉज इसमें कंपटीशन बहुत कम है और इट्स हाईली इन डिमांड। अब हम देखते हैं कि इसमें लोग प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। एक दो जो है गिग्स, हम उनको पहले रीड आउट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि लोअर थर्ड क्या होती है। जब आपने लोअर थर्ड की सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन आई विल टीच यू कि वो आपने करना कैसे। अब ये देखें, दिस पर्सन इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट लोअर थर्ड प्लस सोशल पैक विद इन 24 hours। 284 ऑर्डर्स ये कर चुके हैं। यहाँ पे जो आपके पास स्टैट्स आते हैं ना फाइवर के, कि कितने आपने ऑर्डर कर लिए हैं, किस फ्रीलांसर ने, किस सेलर ने कितने ऑर्डर कर लिए हैं, वो यूजुअली वो होते हैं जिनको क्लाइंट ने फीडबैक दिया होता है, और मोस्टली क्लाइंट फीडबैक नहीं देते। तो जो 284 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो वो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स होंगे जिस फ्रीलांसर ने किए हैं। इसका मतलब है कि करीब करीब 500 के करीब दिस पर्सन हैज डन लोअर थर्ड प्रोजेक्ट्स। और अगर आप ये बेसिक सर्विस $5 के लिए भी ऑफर कर रहे हैं, तो $5 को 500 से मल्टीप्लाई कर लें कि कितना इससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वन ऑर्डर इज इन क्यू, इसका मतलब है कि अभी एक ऑर्डर उनके पास है भी। जो हमेशा सर्विस इन डिमांड चेक करने का तरीका ये है, कोई भी कीवर्ड आप सर्च करें, कोई भी आप सर्विस सर्च करें, अगर उसके ऑर्डर्स इन क्यू हैं, दैट मीन्स कि बायर ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, तो वो सर्विस इन डिमांड होती है। ये हम देख लेते हैं, दिस सर्विस। आई विल प्रोवाइड यू आउटस्टैंडिंग सोशल मीडिया लोअर थर्ड्स पैक। डिटेल्स में देखते हैं कि क्या होगा। पहले आप ये इसकी गैलरी में जाके देखते हैं, top 10 लोअर थर्ड्स। आज एक अनाउंसमेंट है, मिस लारे फाइनली आप एक्टिवली प्रेजेंट बैठे हैं यहाँ पे। आप सबको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे अपना सेल नंबर दे स्टूडेंट, किसी को अलाउ नहीं कि आप लोग उसको मैसेज करें या ज्वाइन करें। ये सब फेक इंफॉर्मेशन हो रही होती है, तो आप लोग बगैर हमसे इजाजत दी है किसी को टेक्स्ट या क्लास के लिंक के लिए मैसेज मत किया करें। हमारे ऑफिशियल ग्रुप क्रिएट है, आप सिर्फ वहीं पर मैसेज कर सकते हैं। जी मैम, ओके। सो ये आपको नजर आ रहा है, ये जो लेफ्ट साइड पे इंफॉर्मेशन आ रही है,
सागर चंद्रा सर मोशन एनिमेटर इलस्ट्रेटर ऑन फाइवर, सिर्फ ये इतना सा जो पार्ट है ना ये, दिस इज लोअर थर्ड, सिर्फ आपने ये डिजाइन करना है अगेंस्ट $5. अगली स्लाइड में देखते हैं एक स्टाइल ये दिया लोअर थर्ड का। लोअर थर्ड में सिर्फ वीडियो की इंफॉर्मेशन होती है या आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स होते हैं, दैट इज इट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये सब क्लाइंट का फीडबैक भी आ रहा है। सो ये जितनी भी आपके पास ये शो हो रही हैं, बॉटम में बार शो हो रही है, दैट इज लोअर थर्ड्स। और इसमें क्लाइंट आप क्या ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट को, आई विल पुट योर इंफॉर्मेशन एंड मेक योर लोअर थर्ड एनिमेशन, आई विल प्रोवाइड PNG sequence with alpha channel, fully transparent background, full HD, After Effects source file, Premiere Pro compatible template. Watch this gig video preview and choose any code number. You can also order a new custom lower third. इसमें seller ने क्या किया हुआ है? इसमें freelancer ने already कुछ templates बना के प्लेस कर दिए कि या तो आप वो टेम्पलेट परचेज कर लें, मैं आपकी उसमें डिटेल्स ऐड कर दूंगा, या मैं कस्टम लोअर थर्ड भी बना के प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाकी जो आपने अपने फीचर्स लिखने होते हैं वो उसके अंदर लिखे हैं, फास्ट डिलीवरी, अनलिमिटेड रिव्यूज, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, और ये बाकी सब चीजें जो आपके गिग में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट एक देखते हैं उसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये, उसमें ये सोशल मीडिया लोअर थर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सोशल मीडिया लोअर थर्ड्स क्या होती हैं? जहाँ पे आपके सोशल मीडिया हैंडल्स की इंफॉर्मेशन होती है, जब कोई वीडियो चल रही होती है या जब कोई एड बनाया जाता है, पोस्ट एड हो सोशल मीडिया का स्टैटिक या कोई भी आपका प्रमोशनल एड है, तो उसमें जो आपके इंफॉर्मेशन होती है सोशल मीडिया की, दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया लोअर थर्ड्स या सोशल मीडिया पैक्स। अब देखिए कितना सिंपल है इसको डिजाइन करना, और सिर्फ ये सिंपल बार डिजाइन करने के अगर आप क्लाइंट से $5 चार्ज कर रहे हैं, और अगेन वो स्किल परफॉर्म करने में आपके 20 से 25 मिनट लग रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट स्किल। बिकॉज फाइवर पे होता क्या है कि जब आपका गिग चल जाता है ना, तो आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं इन अ डे। अगर आपने वो स्किल चूज की है जिसको परफॉर्म करने में, जैसे लोगो डिजाइन है, एक डिजाइनर एक दिन में कितने लोगोस बना सकता है, क्योंकि हर लोगो का एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है ना। अगर आप एक दिन में लेट्स से 3 से 4 लोगोस बना सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि आप हर क्लाइंट के पहले बिजनेस को, ब्रांड को अंडरस्टैंड करें, देन उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, उसकी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, देन उसको लोगो बना के दें। लेट्स से आपने 3 से 4 लोगो एक दिन में बना लिए, एक लोगो बनाने में, एक लोगो क्रिएट करने में आपके 3 to 4 hours स्पेंड होते हैं। एक दिन में आपने 10 से 12 घंटे काम किया और 3 orders या 4 orders आपने कंप्लीट की। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इंस्टेंट किसी स्किल पे काम करते हैं, आप लोअर थर्ड्स बना रहे हैं, आपके पास 10, 20, 30 ऑर्डर भी आ जाएंगे ना, तो आप विद इन कपल ऑफ आवर्स वो अपना जो है टास्क कंप्लीट कर लेंगे। एक ये स्टाइल है लोअर थर्ड्स का, एक ये स्टाइल है। स्टाइल आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट को किस तरह से बना के देते हैं। आपने सिर्फ सोशल मीडिया पुट करना है उसका, और उसका साथ आपने सोशल मीडिया का लोगो लगाना है। सो ये कुछ जो है इसने अपने प्रीवियस काम के सैंपल्स रखे हुए हैं, और साथ में ये फ्रीलांसर कह रहा है कि आई विल क्रिएट प्रोफेशनल सोशल मीडिया लोअर थर्ड एनिमेशन, आई विल पुट योर इंफॉर्मेशन एंड मेक योर लोअर थर्ड एनिमेशन। All the lower thirds already available are shown in the gig video. If you need any other lower third, then choose custom design from extras and then I'll create that design for you. इस seller ने भी कुछ templates बना के रख दिए हुए हैं कि आप either ये वाले purchase कर लें, अगर आपने custom बनवानी है कोई lower third तो उसके लिए charges होंगे। custom का मतलब यह कि design अगर आपने change करवाना है तो, और ये बाकी उसने जो अपनी details लिखी हुई हैं जो भी आप अपने gig में add करते हैं, ये सारी डिटेल्स आपने क्या ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, ये हम फाइवर के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो जस्ट फॉर मोटिवेशन, दिस पर्सन इज 20 इयर्स ओल्ड और 307 रिव्यूज हैं, जिसका मतलब ये है कि कम से कम 700 प्रोजेक्ट्स पे इसने काम किया। लेवल 2 का सेलर है। 20 साल तो कुछ भी नहीं होता। आप में से जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ बैठे होंगे, और ये देखें लोग कितना अच्छा अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। बस वो क्या करते हैं कि वो स्किल चूज करते हैं जो कि इन डिमांड होती है, और वो काम चूज करते हैं जिसको, जिससे वो अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। अब आपने किस तरह से लोअर थर्ड डिजाइन करनी है एज अ बिगनर? अगर आप एक अच्छे डिजाइनर हैं तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको
बहुत सारे लोगों को जैसे आइडिया नहीं था कि लोअर थर्ड्स क्या होती हैं, तो स्टार्ट करने के लिए एक वेबसाइट है freepik.com। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट है लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। यहाँ से आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं जो अपने डिजाइन में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे लोअर थर्ड्स, सारे आपके पास टेम्पलेट्स आ गए, प्रीमेड टेम्पलेट्स। इन प्रीमेड टेम्पलेट्स को आप फुली कस्टमाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट, इन टर्म्स ऑफ स्टाइल। वो कैसे कस्टमाइज करना है अभी आई विल शो यू। अच्छा, सेशन में कितने लोग हैं जो ऑलरेडी फोटोशॉप यूजर हैं, और जो फोटोशॉप यूजर्स हैं उनका क्या लेवल है फोटोशॉप पर, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं आपको गाइड करूंगी वो कस्टमाइज कैसे करना है। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कौन सा स्किल चूज करें फाइवर पे? बट आई सजेस्ट आप इंस्टेंट स्किल चूज करें फाइवर पे। बिगनर्स जो हैं, जो बिगनर्स हैं वो फाइवर पे अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करने के लिए इंस्टेंट स्किल चूज करें, जिसको परफॉर्म करने में आपका टाइम कम लगे, आपकी मेहनत कम हो। और इंस्टेंट स्किल कौन से हैं? फोटोशॉप मॉकअप है, आपके पास लोअर थर्ड्स है, आपके पास सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, देन आपके पास स्लाइड शोज हैं, एनिमेशन है। एनिमेशन इज रियली रियली सिंपल। फोटोशॉप में एनिमेशन क्रिएट करना हार्डली 10 to 15 minutes की गेम है, अगर आपको पता होगा कैसे करना है। वो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे आप फोटोशॉप में एनिमेशन कैसे करते हैं। आपको कोई उसके लिए हैवी ड्यूटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप फोटोशॉप यूज करते हैं बेसिक एनिमेशन कर सकते हैं। ओके, सो जो मोस्टली लोग हैं वो बिगनर हैं। ऑलराइट, सो इट्स वेरी इजी, दैट्स व्हाई मैंने ये स्किल चूज किया कि जो बिगनर्स भी हैं वो भी इस स्किल को अच्छे से परफॉर्म कर सके। कोई भी एक टेम्पलेट जो है हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, ये सोशल मीडिया वाला कर लेते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है यहाँ पे, इस बटन पे क्लिक करें, फ्री डाउनलोड। इसका जो zip फाइल है वो आपके पास डाउनलोड हो रहा है। जब तक ये डाउनलोड होता है मुझे बताइएगा फ्री पिक वेबसाइट कौन से डिजाइनर्स यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्किल्स इन डिमांड है? बिकॉज अभी तो आप बता रही है कुछ अरसे बाद प्रोडक्ट मॉकअप या लोअर थर्ड्स इंस्टेंट स्किल ना आ रही है, देन कैसे पता चलेगा? मैम आपको ऐसे पता चलेगा, कोई भी कीवर्ड आप फाइवर पे सर्च करेंगे और उसके आप एटलीस्ट 10 samples ले लें। 10 samples का मतलब ये है कि ये हम फाइवर पे हैं, मैंने कोई भी कीवर्ड सर्च किया लो थर्ड्स का ही, इसके मैं 10 gigs जो फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं वो ओपन करूंगी। अगर 10 में से 8 gigs के ऑर्डर इन क्यू है, दैट मींस दिस स्किल इज इन डिमांड, मतलब लोग ये सर्विस परचेज कर रहे हैं। अगर वो सर्विस परचेज ही नहीं कर रहे होंगे, उसके ऑर्डर्स ही नहीं होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस स्किल का इतना मार्केट में डिमांड नहीं है। तो एटलीस्ट आपने इस रिसर्च के लिए 10 samples लेने हैं फर्स्ट पेज से। 10 gigs open करें और देखें कि at least अगर 8 gigs के अंदर orders in queue हैं, जैसे कि इस वाले gig में हमने देखा कि इसके पास एक order in queue है। हम कोई 2-3 और gigs check कर लेते हैं। कोई भी आप random sample ले सकते हैं इसमें। एक पॉइंट ये है चेक करने का, दूसरा पॉइंट ये है उससे कंपटीशन बहुत कम होगा। इन डिमांड वो चीज होती है जिसकी सप्लाई कम होती है। अगर आप में से कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो उनको पता होगा कि आप डिमांड कैसे चेक करते हैं। डिमांड तब हाई होती है जब सप्लाई कम होती है। जैसे इस टाइम मार्केट में अगर मास्क या सैनिटाइजर की डिमांड ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि उनकी सप्लाई कम है। अगर उनकी सप्लाई मार्केट में इक्वल हो तो इतनी डिमांड क्रिएट ना हो जितनी इस टाइम पे क्रिएट हुई है। एक तो डिमांड इसलिए क्रिएट हुई है कि सिचुएशन ऐसी है। अब इसमें सिचुएशन क्या है कि यूट्यूब जो है वो लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो एक फेवरेबल सिचुएशन है। अब लोग यूट्यूब ज्यादा यूज कर रहे हैं लेकिन लोअर थर्ड्स बहुत कम लोग बना रहे हैं। लोग अभी तक लोगो पे स्टक हैं, लोग अभी तक ब्रोशर्स पे स्टक हैं, लोग अभी तक फ्लायर्स पे स्टक हैं।
तो दैट्स हाउ यू कैन सी कि इसमें क्या पोटेंशियल है. टू ऑर्डर्स इन क्यू, वन ऑर्डर इन क्यू, वन ऑर्डर इन क्यू, एंड अभी तक हमने देखा चार ऑर्डर्स इन क्यू में. मैंने कोई छह या पांच सैंपल्स ओपन किए थे, तो अगर 10 में से 8 के पास ऑर्डर्स इन क्यू है और प्लस सर्विस की जो है अवेलेबिलिटी प्रोवाइडर्स कम है, तो वो कीवर्ड आपका इन डिमांड है. फाइल डाउनलोड हो रही है, आई गेस एक मिनट और लगेगा, तब तक मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर देती हूँ. ओके, हिफ्सा पूछ रही है मैम इसे यूज करें और जो अर्निंग होगी वो हम तक कैसे पहुंचेगी. वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएगी. फाइवर से विड्रॉ कैसे करना है, अर्निंग आप कैसे विड्रॉ करते हैं, वो हम फाइवर के लेक्चर में देखेंगे. फ्रीलांसिंग प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले हम कुछ स्किल्स लर्न करेंगे, ताकि हमारे पास जब हमने काम करना तो बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट तो हो हमारे पास कि हम क्या चीज सेल कर रहे हैं. और एक चीज मैं आप लोगों के यहाँ पे गारंटी कर दूं कि फ्रीलांसिंग की 100% पेमेंट सिक्योर होती है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने काम किया और आपको पैसे नहीं मिले. बिकॉज जब भी आप काम शुरू करते हैं फ्रीलांसिंग मार्केट में, पहले क्लाइंट वेबसाइट को पे करता है, देन आप काम शुरू करते हैं. फाइवर पे क्लाइंट ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, $5 का, 10 का, 50 का, 500 का, जितने का भी है, पहले उसने वो पैसे वेबसाइट को सबमिट करने हैं, देन वेबसाइट आपको अलाउ करेगी कि आप काम शुरू करें. सैरिश गुराया, मैं भी आपको एक लोड 30 बना के दिखाने लगी फोटोशॉप से. फाइवर बनाया था, ठीक है, बिल्कुल. मैं फाइवर पे आपको आईडी, गिग, हर चीज बनाना सिखाऊंगी, लेकिन हम फाइवर के लेक्चर में सीखेंगे. अभी हमारा इंस्टेंट स्किल का लेक्चर चल रहा है. पहले आप लोग टेम्पलेट्स पे प्रैक्टिस करें, देन जो है हम लोग कस्टमाइज इसको बनाएंगे. ओके, आई थिंक ये डाउनलोड हो रही है. ये आप सबकी नेक्स्ट सेशन के लिए असाइनमेंट भी है. जो लोग असाइनमेंट परफॉर्म करेंगे उन्हीं को मैं फर्दर गाइड करूंगी लोअर थर्ड्स का. जो परफॉर्म नहीं करेगा मैं उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं करूंगी. असाइनमेंट ये है कि फ्री पिक की वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करके उसमें अपनी डिटेल्स इनपुट करनी है. किसी भी लोअर थर्ड में आपने अपनी डिटेल या किसी भी क्लाइंट की फेक डिटेल्स जो है आप इनपुट कर सकते हैं. डाउनलोड हो गया, लेट्स सी कि हम इसको कस्टमाइज कैसे करते हैं. जिप फाइल होती है, जब आप डाउनलोड करते हो कोई भी चीज, कोई भी फ्री रिसोर्स, इसको हम पहले अनजिप करेंगे. जो मोस्टली लोअर थर्ड्स होती हैं वो फोटोशॉप की फाइल्स होती हैं, बहुत कम इलस्ट्रेटर की होती हैं, क्योंकि कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें उसको एनिमेट भी करना है. एनिमेशन इज समथिंग एल्स. अभी हम लोग सिर्फ इसको स्टैटिक क्रिएट करना सीख रहे हैं. ये जो फाइल है हमारे पास इलस्ट्रेटर की है. जो आपको मिलते हैं ना बिल्ट इन टेम्पलेट्स किसी भी वेबसाइट से, दैट इज प्रीटी इजी टू कस्टमाइज. उसकी कस्टमाइजेशन बहुत आसान होती है. अब जितने भी लोग सेशन में हैं, अगर आपको इलस्ट्रेटर का आइडिया नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है. जो इसमें आपकी फंक्शनैलिटी यूज होगी इसको कस्टमाइज करने में, इस टेम्पलेट को, वो आप इसी सेशन में सीख लेंगे. उससे ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं होगा उसमें इलस्ट्रेटर का. आपको अगर इलस्ट्रेटर के बेसिक्स आती हैं, नहीं आती, आपने कभी यूज किया है नहीं किया, डज नॉट मैटर. इसमें सिर्फ आपने जो काम करना है कि हम आपको बता दूंगे आपने कौन सा टूल यूज करना है और कहाँ से कस्टमाइज करना है. अच्छा, मैंने ये फाइल ओपन किया तो वो ये कह रहा है कि इसमें जो फॉन्ट यूज हुए हैं वो आपके पास नहीं है, तो हमें उससे कंसर्न नहीं, हम कोई और फॉन्ट यूज कर लेंगे. तो इसको आपने ओपन कर लेना है और ये आपके पास टेम्पलेट आ गया. अब इस टेम्पलेट में आपने क्या कस्टमाइज करना है, आपने सिर्फ डिटेल्स को चेंज करना है. डिटेल्स कौन सी है, टेक्स्ट की डिटेल्स है, राइट. आप यहाँ से ये जो ग्रे एरो है, इलस्ट्रेटर यूजर जो नहीं है मैं उनके लिए बता रही हूँ, दो एरोज यहाँ पे होते हैं. ये दोनों एरोज सिलेक्शन के लिए होते हैं. ये जो हमारा सिलेक्शन टूल है ये पूरा का पूरा आपका जो आर्टवर्क है उसको सिलेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये ब्लैक एरो सिलेक्ट करके कहीं पे प्रेस किया तो आपने देखा कि मेरा सारा आर्टवर्क सिलेक्ट हो गया है. जबकि अगर आप ग्रे एरो सिलेक्ट करते हैं तो आप जिस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे सिर्फ वही एलिमेंट सिलेक्ट होगा. जैसे मैंने फॉन्ट पे क्लिक किया है, ये यूजर नेम पे, तो सिर्फ मेरी वो लेयर सिलेक्ट हुई है. जबकि ब्लैक एरो जो है वो मेरा पूरा आर्टवर्क सिलेक्ट कर रहा है. तो आपने ब्लैक एरो नहीं, ग्रे एरो यूज करना है जो राइट साइड पे, और आपने फॉन्ट पे क्लिक करना है.
अब ये क्लिक हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, इसको मैं डबल क्लिक करूंगी तो ये एडिटेबल हो जाएगा, मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। अब आपको यहाँ पे एरो की जगह कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने इस पे अपनी डिटेल्स चेंज कर ली, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने यहाँ पे डिटेल्स ऐड करती हूँ, जो भी मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल होगा मैंने वो ऐड कर लिया, देन जो मेरे लिंक्डइन का होगा वो मैंने उसको ऐड कर लिया। तो चेंज वैसे चेंज कर लेते हैं। अच्छा, या तो आप कर्सर को भी क्लिक करेंगे ना, जो आपका ये जो कर्सर है ये टेक्स्ट कर्सर, इसको भी टेक्स्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो भी वो आपके लिए एडिटेबल हो जाएगी। फोटोशॉप की में ये फंक्शनैलिटी नहीं है, इलस्ट्रेटर थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा नहीं काफी एडवांस है, और यूज करना बहुत ईजी है। फोटोशॉप एक समवट ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ जो है आपके पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस लिमिटेड होती हैं। जैसे फोटोशॉप पे अगर आप डायरेक्ट फॉन्ट के लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अलावा बाकी सॉफ्टवेयर्स आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप डायरेक्ट उस लेयर को एडिट कर सकें, जबकि कर्सर है मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो मेरी पूरी लेयर एडिटेबल हो गई है। इसमें भी जो आपके क्लाइंट की डिटेल्स है आपने वो ऐड कर ली। ओके, एक तो कस्टमाइजेशन ये हो गई है कि आपने इसके अंदर क्लाइंट की सोशल मीडिया हैंडल्स को ऐड कर लेना है। दूसरा, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कस्टमाइज करने के लिए इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे हम, और ये आपके पास फॉन्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं, जौन सा फॉन्ट आपको समझ में आता है, जौन सा फॉन्ट आपको अट्रैक्टिव लगता है, या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि ये मेरी ब्रांडिंग है, मैंने ऑस्वर्ल्ड यूज किया हुआ है या मैंने कैलिब्री यूज किया हुआ है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, या तो आप वो फॉन्ट चूज कर सकते हैं या अपनी मर्जी का कोई और फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आई विल गो विद रेलवे, मैं ये वाला फॉन्ट चूज करूंगी, दिस वन। अब इसको आप इसका टेक्स्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, जो जिस तरह से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जितने भी आपके लोअर थर्ड्स होते हैं वो सारे कंसिस्टेंट होने चाहिए। जो फॉन्ट स्टाइल, जो फॉन्ट साइज आपने एक बार में यूज किया है, बाकी सब बार में आपने उसी को यूज करना है। यहाँ पे अगेन इलस्ट्रेटर के मजे की चीज ये है कि इसको अगर आप सिलेक्ट करें, मैंने इसका फॉन्ट चेंज करना है, इसका करना है, आप सबको सिलेक्ट कर लें। मल्टी सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके आप अपने टेक्स्ट की लेयर्स को क्लिक करते जाएंगे। अब मैंने बाकी सब टेक्स्ट की लेयर्स जो है सिलेक्ट कर ली हैं, और मैं यहाँ से ये आई ड्रॉपर टूल से जब मैं अपने टारगेटेड लेयर पर क्लिक करूंगी तो उन सब का फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज सेम हो जाएगा, मुझे जाके इंडिविजुअली उसको कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और इसमें आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ये जो आपके पास ये वाइट बार नजर आ रहा है आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वाइट बार को सिलेक्ट करने के लिए ग्रे एरो पहले सिलेक्ट करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसके ऊपर क्लिक करें, देन ये जो आपके पास ये कलर पैलेट आ रहा है यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज करके इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर चूज कर लें। लेट्स से हम अगर येलो चूज करते हैं, वैसे इट डजंट लुक गुड, लेकिन आपको बता रही हूँ कि आप कैसे इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। अगेन, अगर आप बाकी बार्स को भी सेम कलर में चेंज करना है तो आप बार्स को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके सारी वाइट बार्स को सिलेक्ट कर लें, और आई ड्रॉपर टूल से आप उन सबको सेम कलर में एट वंस कर सकते हैं। यहाँ तक तो होगी कस्टमाइजेशन। ये कस्टमाइजेशन आप पे डिपेंड करती है कि आपने क्या डिटेल्स एंटर करनी है, कौन से कलर्स यूज करने हैं, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, लेकिन इस चीज को आपने क्लाइंट को डिलीवर कैसे करना है। अब क्लाइंट को आपने कभी भी ऐसे उठा के नहीं देना, क्लाइंट को पता चल जाएगा कि ये जो चीज है ये आपने किसी टेम्पलेट से बनाई है, बिकॉज इतने ऑर्गेनाइज टेम्पलेट ही होते हैं। व्हाट यू विल डू, हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं इलस्ट्रेटर में, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। इलस्ट्रेटर में साइज का इतना कोई कंसर्न नहीं होता, आप कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इलस्ट्रेटर में जितना भी आर्ट वर्क आप बनाते हैं, जो भी आप डिजाइन बनाते हैं, वो किसी भी साइज पे, किसी भी साइज रेशो पे, किसी भी डायमेंशन पे सेम रहता है, पिक्सेलेट नहीं होता। तो मैंने वैसे रैंडम एक आर्टबोर्ड ओपन कर लिया, और
पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड डिलीट करती हूँ, बिकॉज बैकग्राउंड डिलीट करूंगी तो मैं इसको इजीली मूव कर सकती हूँ। बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए ये आपके पास लेयर्स का आ रहा है ऑप्शन, राइट साइड पे आपके पास इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आप अपने आर्ट वर्क, जिस आप कैनवस पे या आर्ट बोर्ड पे, ये आपका आर्ट बोर्ड है ठीक है, ये जो आपका एक्टिव एरिया है जिसपे आप काम कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास हैं। तो जो ये वाला हमारे पास है बटन, ये लेयर्स का है। अगर आपके पास विजिबल नहीं होगा तो आपने विंडोज में जाके यहाँ पे लेयर्स पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास लेयर्स आ जाएंगे। बैकग्राउंड को डिलीट कर दें ताकि आपके लिए मूव करना ईजी हो जाए उसको। अच्छा, अब हमने इसको डिलीट कर दिया, और पहले हमने, अब आपने ब्लैक चूज करना है, ब्लैक एरो चूज करना है, बिकॉज अब हमने सारे का सारा आर्टवर्क उठा के दूसरे कैनवस पे लेके जाना है। इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं, इसको भी अनग्रुप कर लें ताकि सारी की सारी बार जो है अलग अलग हो जाए। अब ये एक बार अलग हो गई है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी किया इसको, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। साइज आप कोई भी रखेंगे वो उसका साइज सेम ही रहेगा। अब ये साइज रखने के बाद जब आप अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं ना, आपकी जो लोअर थर्ड है या आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो उसका जो फॉर्मेट है डिजाइन में वो पीएनजी फाइल होती है। अब इसको पीएनजी में आपने सेव करना है, फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक नहीं करना, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अगेन आपको बता दूं, सेव एज करेंगे तो आपके पास पीएनजी का ऑप्शन नहीं आएगा। पीएनजी का ऑप्शन तब आएगा जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास आएगा पीएनजी का ऑप्शन, और आपने, अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे रख रही हूँ, इसको इंस्टाग्राम के नाम से सेव कर लें बिकॉज ये आपके इंस्टाग्राम का हैंडल है। सेव करेंगे, तो वो आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जो है ये आपके पास इसका प्रीव्यू होगा। ओके कर लिया, ये सेव हो गया, देन इसको आपने डिलीट कर देना है, और आप फेसबुक वाला ले आए, कॉपी पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी। अभी आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे और फेसबुक के नाम से सेव कर लेंगे। ये आपके पास सेव हो जाएगा। इसी तरह आपने सारे, जरूरी तो नहीं है आपके क्लाइंट के पास ये सारे हैंडल्स हों, उसके पास ट्विटर भी हैं, पिंट्रस्ट, यूट्यूब सारे हों। समटाइम्स क्लाइंट जो मोस्टली यूज करते हैं वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये चार चीज़ें जो मेनली वो यूज़ करते हैं, ट्विटर भी होता है। तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने फाइल्स प्रिपेयर कर लेनी है। तीन हैंडल्स हैं, चार हैंडल्स हैं, जितनी भी उसके पास लोअर थर्ड्स के हैंडल्स हैं वो आपने प्रिपेयर करके इंडिविजुअली सेव कर लेना है, और ये आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा लाइक दिस। सेपरेट फाइल्स आपने उसको डिलीवर करनी है, बट मेक श्योर कि आप उनका साइज सेम रखें। साइज सेम आप ऐसे कर सकते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ जो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम हैंडल का साइज डिफरेंट है, फेसबुक का साइज डिफरेंट है, तो साइज सेम आपने कैसे रखना है, आप एक फाइल क्रिएट करें 1000x1000 की। पहले हम इंस्टाग्राम को वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं, कॉपी प्लस कंट्रोल कॉपी किया और उसको आपने पेस्ट कर दिया। आपने उसका ट्रांसफॉर्म नहीं करना, अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको हर हैंडल को इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म करना मतलब उसको रिसाइज करना। रिसाइज करना इसलिए भी जरूरी नहीं है कि आपके रिसाइज करने से उसकी डायमेंशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रिजल्ट वही रहेगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पीएनजी में, इंस्टाग्राम, यस, रिप्लेस,
मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट करके फेसबुक सिंपल कॉपी पेस्ट रिसाइज नहीं करना उसको, वो जहां पे प्लेस होगा वैसे उसको सेव कर लेना है, ताकि सारे के सारे हैंडल्स का साइज हमारे पास सेम रहे। अगर आप रिसाइज करेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर एक हैंडल का साइज इक्वल है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या साइज कर रहे हैं, अपने अपने लिए चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल कॉपी पेस्ट एक ही जैसी फाइल साइज में कर देना। एक ही जैसी फाइल साइज का मतलब ये है कि आप उसके डायमेंशन फाइल के सेम रख लें ना, 1000 by 1000 रख लें, 500 by 500 रख लें, या आप 1500 by 1500 रख लें, जो भी आप डायमेंशन रखेंगे वो इक्वल हो, लाइक स्क्वेयर डायमेंशन रखें, और जहां पे भी वो पेस्ट होता है उसको एज इट इज सेव कर लें। अब इससे क्या होगा कि हमारे दोनों के जो साइजेस हैं वो इक्वल होंगे, सारे हैंडल्स के साइज इक्वल हैं। पहले हमारे पास हैंडल्स का साइज डिफरेंट था बिकॉज मैंने उसको रीसाइज किया था, और जो मेरे पास डायमेंशन थी आर्टबोर्ड की, कैनवस की, फाइल की, वो डिफरेंट थी। डायमेंशन अगर बराबर हो, जितनी विड्थ है उतनी हाइट हो, तो जहां पे भी आपने सोशल मीडिया हैंडल को प्लेस करना है वहीं पर उसको सेव कर लेंगे। सबके साथ ऐसा करेंगे तो आपके सारे हैंडल्स की जो है साइज इक्वल होगा। दैट्स हाउ आपने क्लाइंट को डिलीवर करना है, क्योंकि टेम्पलेट में तो आपको पूरे का पूरा पैक मिल रहा है ना, टेम्पलेट में तो आपके पास सारे के सारे आ रहे हैं। जैसे हम कोई और टेम्पलेट देख लेते हैं, एक टेम्पलेट ये है हमारे पास, सोशल मीडिया के अलावा कोई देखते हैं, ये न्यूज वाला देखते हैं, ये सोशल मीडिया हैंडल्स का है टेम्पलेट, ये जो है आपके पास ये न्यूज चैनल के लिए या जो न्यूज वाली वीडियो होती है उसके लिए एक लोअर थर्ड डिजाइन की गई है। योर टेक्स्ट की जगह पे आप क्लाइंट नेम लिख सकते हैं, देन जहाँ पे सब टेक्स्ट आ रहा है वहां पे आप प्रोग्राम डिटेल्स या जो डिटेल्स आपका क्लाइंट आपको देगा वो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी आपके पास तीन तरह के डिजाइन आ रहे हैं। अब इन तीनों डिजाइन में आप क्या कर सकते हैं, आप तीन डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करेंगे। कभी भी अपने क्लाइंट को आपने सारी लोअर थर्ड्स एक फाइल में प्लेस करके नहीं देनी। आप क्लाइंट बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि ये आपने खुद क्रिएट नहीं किया, आपने सिर्फ कस्टमाइज किया है। लेकिन अगर आप हर लोअर थर्ड को इंडिविजुअली एक और फाइल में प्लेस करके सेव करेंगे, कलर्स, फॉन्ट, टेक्स्ट चेंज करने के बाद, तो आपका क्लाइंट या कोई भी जज नहीं कर सकता कि आपने खुद डिजाइन नहीं किया। पहले आप लोग जो है इसको टेम्पलेट में प्रैक्टिस करें, आपके टेम्पलेट में प्रैक्टिस हो जाएगी, देन आई विल टीच यू। लेकिन वो कमर्शियल ग्राफिक्स का आपका लेक्चर होगा, कमर्शियल ग्राफिक्स के लेक्चर में आपको सिखाऊंगी कि लोअर थर्ड्स आप खुद से कैसे बना सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के लिए, आइडिया लेने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये सारे के सारे आपके पास लोअर थर्ड्स के आ रहे हैं। दिस सैंपल इज रियली गुड, और ये बनाना भी बहुत इजी है। ये वाला सैंपल है, इसमें क्या किया गया है, जस्ट तीन शेप यूज की है। एक आपके पास ये ओवल शेप है, ये हाफ ओवल शेप है, और ये रेक्टेंगल को थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है। सिर्फ ये तीन शेप यूज किए और एक ब्रेकिंग न्यूज का लोअर थर्ड बन गया। यहाँ पे आप चैनल नेम लिख सकते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज और जो डिटेल्स आ रही है आपको लिखेंगे। तो जब आपने ये सर्विस फाइवर पे अप्लाई करनी है, तो जिस तरह ये बाकी प्रोवाइडर्स ने, बाकी फ्रीलांसर्स ने किया हुआ है कि उन्होंने अपनी गैलरी में अपने बनाए हुए लोअर थर्ड्स रखे हुए हैं, ताकि क्लाइंट को पता हो कि आप जो है किस तरह का काम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने भी 5 से 6 लोअर थर्ड्स ये चेक करें जरा, दिस वन इज रियली गुड एंड वेरी सिंपल। इसको हम ये क्लाइंट नेम डायरेक समथिंग, और नीचे उसका होस्ट ऑफ द स्काई लॉज पॉडकास्ट। सिर्फ ब्लू कलर के बार पे क्लाइंट का पिक्चर और उसका नाम और डिटेल्स प्लेस हुई है। दिस इज हाउ सिंपल कि आप कैसे जो है इसको कर सकते हैं। अच्छा, खुद कैसे क्रिएट करनी है, खुद कैसे क्रिएट करने के लिए पहले आपके पास इनफ नॉलेज हो कि लोअर थर्ड्स किस किस तरह की होती है, उसमें लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज करते हैं। डिजाइन इतने मजे की चीज है कि डिजाइन के सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं। जितने भी लोगों को कमर्शियल डिजाइन में या ग्राफिक डिजाइन में इंटरेस्ट है, मैं आपको बता दूं कि डिजाइन कोई भी क्रिएट करने के लिए सिर्फ 4 एलिमेंट आपको चाहिए होते हैं। और वो 4 एलिमेंट कौन से हैं, इन 4 एलिमेंट को यूज करते हुए आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको पता हो कि इन 4 एलिमेंट को लोअर थर्ड्स में कैसे यूज करना है, इन एलिमेंट्स को आपने ब्रोशर में कैसे यूज करना है, इन एलिमेंट्स को प्रेजेंटेशन में कैसे यूज करना है, वो एक लेआउट कंपोजिशन डिफरेंट होती है, लेकिन एलिमेंट्स हमारे पास यही होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला एलिमेंट जो आपके किसी भी डिजाइन का होता है, दैट इज
नंबर टू पे कलर, नंबर थ्री पे शेप एंड नंबर फोर पे इमेज. कोई भी आप डिजाइन कहते हैं उसके ये चार बेसिक एलिमेंट्स हैं. अब ये लोअर थर्ड्स हैं, हम अगर देखें लोअर थर्ड्स को जरा सा स्टडी कर लें तो इसमें क्या है, क्या चीज कॉमन है? एक तो फॉन्ट है आपके पास, देन आपके पास शेप है जो आपने बैकग्राउंड में यूज करनी है, देन आपके पास इमेज है अगर क्लाइंट अपना इमेज इंसर्ट करना चाह रहा है, या कोई भी इमेज है, कोई भी लोगो. अब यहाँ पे जो हमने ये लोअर थर्ड कस्टमाइज की है, इसमें जो ये व्हाट्सएप का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके लोगोज है, ये इमेज है ना. थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास, कलर्स, कि आप कलर्स कौन से यूज कर रहे हैं. देन आपके पास या फॉन्ट, कलर, शेप एंड इमेज, ये चार चीजें हैं जिनको क्रिएट करते हुए आप कुछ भी डिजाइन करते हैं. लेकिन इन चारों चीजों की जो प्लेसमेंट है, इन चारों चीजों की जो लेआउट है, कंपोजिशन है, वो हर एलिमेंट में डिफरेंट होती है. इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो हम खाना बनाते हैं उसमें हमारे पास क्या इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, सॉल्ट होता है, पेपर होता है, ऑयल होता है, देन एक दो और स्पाइसेस होते हैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं. लेकिन उन्हीं इंग्रेडिएंट्स की अगर हम थोड़ी बहुत मिकदार को ऊपर नीचे कर दें या कंपोजिशन चेंज कर दें तो डिश टोटली चेंज हो जाती है, लेकिन बनता खाना ही है. इसी तरह डिजाइन है, ये चार मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इन चारों मेन इंग्रेडिएंट्स को बस आपने एक कंपोजिशन चेंज करनी है, लेआउट चेंज करना है और आपका एक न्यू डिजाइन एलिमेंट तैयार हो जाएगा. तो जो आपकी इंस्टेंट स्किल्स होती हैं डिजाइन की, वो ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं कि ये लोअर थर्ड्स है, ये प्रेजेंटेशन है, ये आपके पास सोशल मीडिया हैंडल्स है, ये आपके पास सोशल मीडिया पैक्स है. सोशल मीडिया पैक भी एक बहुत ज्यादा हाईली इन डिमांड स्किल है. नेक्स्ट सेशन के लिए आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने फ्री पिक से, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है दिस वन freepik.com, यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट डाउनलोड करना है, चाहे फोटोशॉप का हो चाहे इलस्ट्रेटर का हो, दोनों में तरीका सेम है. टेक्स्ट क्लियर पे जाएंगे, उसको डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट क्लियर आपके पास एडिटेबल हो जाएगी. आप अपनी मर्जी का उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी का फॉन्ट सेट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं. जैसे अगर मैं इस टेक्स्ट क्लियर पर क्लिक करती हूँ तो इधर से मैं कोई और कलर चूज कर लेती हूँ. आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं और आपने उसमें अपनी डिटेल्स ऐड करके या किसी भी फेक क्लाइंट की डिटेल्स ऐड करके वो सोशल मीडिया हैंडल सबमिट करने हैं. जो असाइनमेंट परफॉर्म करेगा उसी के क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगी कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, इसमें हम फर्दर क्या कर सकते हैं. जो परफॉर्म नहीं करेंगे उनके आंसर जो है मैं एंटरटेन नहीं करूँगी. सो यहाँ तक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लोग पूछ सकते हैं, देन आई विल गाइड यू कि आपने इसको किस तरह से करना है. मैम क्लाइंट को वीडियो में देना है तो काइंडली उस पर भी गाइड कर दे, मैं आपको डेफिनेटली उस पर भी गाइड करूंगी. लेकिन दैट इज अबाउट एनिमेशन, वो नेक्स्ट स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले ये स्टेप आप परफॉर्म करेंगे, फिर जो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. वीडियो मैंने बता दी सामा जुल्फकार की, वीडियो पे अप्लाई करने के लिए आप फोटोशॉप में इसकी एनिमेशन क्रिएट करेंगे. एनिमेशन क्रिएट करने में मैक्सिमम आपके ना एज अ बिगनर मैक्सिमम मैक्सिमम 25 से 30 मिनट लगेंगे. बहुत ईजी है, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे. अभी के लिए आप लोग स्टैटिक लोअर थर्ड्स बनाएंगे. असाइनमेंट सबमिट किधर करवानी है? अरसलान, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अच्छा मैम, अगर फ्री पिक डिलीट हो जाती है आने वाले टाइम में तो नेक्स्ट वेब कैसे ढूंढेंगे? इतनी जल्दी वो बकर कुछ भी नहीं होता. फ्री पिक मैं आई गेस 08 से यूज कर रही हूँ, अभी तक तो डिलीट नहीं हुई, तो इसका मतलब आगे भी नहीं होगी. ना हो कि देर मल्टीपल ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास जहाँ से आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन फ्री पिक सबसे अथेंटिक वन है. मैम आपके पास 10 मिनट्स मोर है. जी जी मैम, स्टूडेंट्स को गाइड करना था कि काइंडली आपको बार बार ग्रुप का लिंक सेंड किया जा रहा है तो उसको ज्वाइन कर लें, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स उसी में मिल जाएंगी और आपकी सारी क्यूरीज भी उधर मोस्टली सॉल्व हो जाएंगी. ओके मैम, आप कंटिन्यू करें. जी ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि ये स्किल आपको कैसा लगा, इज इट इंटरेस्टिंग, कितने लोगों को इंटरेस्ट पैदा हुआ लोअर थर्ड्स पे काम करने में? अच्छा ओके थैंक यू. अच्छा जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं ना, मैंने भी क्वेश्चन पढ़ा था,
ये टेम्पलेट क्लाइंट भी दे सकता है? नहीं, क्लाइंट आपको टेम्पलेट नहीं देगा। यही तो आपने काम करना है कि आपने उसको टेम्पलेट बना के देना है। जैसे आपको मैंने दिखाया कि ये सब लोग जो हैं, ऑल दीज पीपल ऑन फाइवर, इन्होंने अपने टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं। आइदर क्लाइंट आपका टेम्पलेट चूज कर लेगा या बता देगा कि मेरे लिए कस्टमाइज टेम्पलेट बनाओ। कस्टमाइज किस तरह से होगा? उसका फॉन्ट डिसाइडेड होगा, उसका कलर्स डिसाइडेड होगा, उसके पास कोई इमेज होगा, वो डिटेल्स आपको देगा। उन सब स्टेप्स पे जाने से पहले आप सब ने जो बेसिक असाइनमेंट है, बेसिक टास्क है, उसको परफॉर्म करना है। सब लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास ये देयर इज दिस ब्लैक एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो जाता है। जो ग्रे एरो है उस पे क्लिक करेंगे तो जिस लेयर पे क्लिक करेंगे सिर्फ वो लेयर सिलेक्ट होगी। अच्छा, आप लोग परफॉर्म करें, जैसा भी परफॉर्म करेंगे कोई भी इशू आएगा आई विल गाइड यू, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको कैसे गाइड करूंगी। सॉफ्टवेयर इजी, डाउनलोड करना बहुत इजी है। आप लेट मी शो यू, आप लोग क्या करें, आप इस वेबसाइट पे जाएं, सॉफ्ट टोनी की वेबसाइट है। यहाँ पे आप इलिस्ट्रेटर डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली। इलस्ट्रेटर लिखेंगे सर्च बार में तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, इलस्ट्रेटर के सारे वर्जन आ जाएंगे। जो वेबसाइट पे पड़े हैं बेशुमार वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो सॉफ्ट टोनी की वेबसाइट है ये काफी अथेंटिक और ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है कि इनमें वायरस नहीं होता, आपको अच्छा वर्जन मिल जाता है और मोस्टली वो क्रैक भी होता है, बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आती। यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो भी आपके पास इधर ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी आपको दिखा देता हूँ तो बाकी क्वेश्चंस मैं आंसर कर दूँ। ओके मैम, जो गैलरी में टेम्पलेट लगाने हैं वो अलग अलग रखने हैं, कंप्लीट टेम्पलेट पैक बनाकर सेव करना है, आपकी मर्जी है। आप पोर्टफोलियो के लिए अपना सारा काम एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए, देखो दो डिफरेंट चीजें हैं। अपने लिए अपना डिजाइन प्रेजेंट करना और क्लाइंट को प्रेजेंट करना दो डिफरेंट तरीके हैं। तो जब आपने अपने लिए प्रेजेंट करना है पोर्टफोलियो के लिए या वेबसाइट पे लगाने के लिए, तो आप एक साथ भी पैक बना के लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना है तो आप सेपरेटली करेंगे, अगर एक साथ करेंगे तो आपके क्लाइंट को समझ आ जाएगी कि इसने कोई टेम्पलेट यूज किया हुआ है। इलस्ट्रेटर इजी है या फोटोशॉप? दोनों बहुत ईजी है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये इनका डिफरेंस जो है, ये आपको ग्राफिक के लेक्चर में अगर आप दे रहे हैं तो आपको बता देंगे कि इलस्ट्रेटर में फोटोशॉप में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज करने हैं। प्रीटी सिमिलर है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि जो एक फोटोशॉप यूजर है वो इलस्ट्रेटर यूज ना कर पाए या एक इलस्ट्रेटर यूजर फोटोशॉप यूज ना कर पाए। बिल्कुल अदनान, नेक्स्ट सेशंस में जो हम डेटा एंट्री की भी जो है इंस्टेंट स्किल्स को देखेंगे, हम एसईओ की इंस्टेंट स्किल्स को भी देखेंगे कि एसईओ में इंस्टेंट स्किल्स क्या होती है, डेटा एंट्री में कौन कौन सी है। जी बिल्कुल, सॉफ्टोनिक बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री देता है। टेक्स्ट का मैंने नुमान आपको बताया है कि जब आप टेक्स्ट की लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटो सिलेक्ट हो जाती है, देन आपने उसको क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करना है तो वो एडिटेबल हो जाएगी, आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। प्लेस योर टेक्स्ट हियर, जो क्लाइंट डिटेल्स है ना वो क्लाइंट आपको बताएगा, बाकी टेम्पलेट आपने खुद उसको देना है। लोअर थर्ड के गिग इमेज का आइडिया दे दें। गिग इमेज की एक अलग से साइंस होती है कि आपने गिग इमेज कैसे डिजाइन करना है, वो मैं जब आपको फाइवर के लेक्चर्स में जाऊंगी तब बताऊंगी कि गिग इमेज एक अच्छा अट्रैक्टिव गिग इमेज आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, बिकॉज 80% ना आपका ऑर्डर आपके गिग इमेज पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपका गिग इमेज क्लाइंट को अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं डिजाइनर हूँ और मेरा गिग इमेज बैडली डिजाइन है, तो क्लाइंट कैसे मेरी सर्विस जो है परचेज करेगा? वो ये सोचेगा नहीं कि अपने जो इसने डिजाइन किया नहीं है तो मेरे लिए किसने क्या डिजाइन करना है। जो मैं आपको बताऊंगी ना वो आप हर एक गिग के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई करके डिजाइन कर सकते हैं गिग इमेज। ओके, इलस्ट्रेटर आप कोई भी वर्जन जो है आप डाउनलोड कर लें। हर स्किल की अलग अलग गिग बनानी है या एक में ही सारी स्किल्स मेंशन कर दें? नहीं, हर स्किल की अलग अलग गिग होती है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा टाइम रह गया, एक चीज एक्सप्लेन कर दूं। गिग का कॉन्सेप्ट ये है, आप लोग गए क्रॉकरी स्टोर पे, क्रॉकरी स्टोर पे आप गए, आपने ग्लास परचेज करना है। ग्लास परचेज करने के आप ग्लास के रैक में जाएंगे, वहां पे सारे ग्लासेस डिस्प्ले हुए हैं। इनिशियली आप फाइवर पे 7 गिग्स बना सकते हैं,
अगर मैंने शॉप खोली है और मैं ग्लासेस के रैक में अपनी सात प्रोडक्ट सिर्फ ग्लासेस पे ही फोकस कर रही हूँ तो मेरे पास ज्यादा चांसेस हैं कि लोग मेरे ग्लास परचेज करेंगे, जबकि अगर मैं ग्लास प्लेट्स कप्स डिनर सेट डिफरेंट सात प्रोडक्ट्स लेकर आऊंगी तो मेरे चांसेस कम हो जाएंगे। हो सकता है कभी कोई मेरा डिनर सेट परचेज कर ले, हो सकता है कभी कोई प्लेट परचेज कर ले, लेकिन अगर मेरे है ही प्रोडक्ट्स ग्लास की साथ के साथ मेरे ग्लास है तो मेरे अपने चांसेस इंक्रीज होंगे। इसी तरह आपका जो हर गिग होता है डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन स्किल आपका सेम होता है। इस चीज को, इस फॉर्मूला को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो हम फाइवर के लेक्चर्स में देखेंगे। सैरिश गुड, आया आई गॉट फर्स्ट ऑर्डर ऑन फाइवर लास्ट मंथ, दैट्स रियली गुड। सैरिश क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं आप फाइवर पे? मैम मैंने 2019 में फाइवर अकाउंट बनाया बट आई एम बिगनर सो ये प्रोजेक्ट मिलने मुश्किल नहीं होगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। जितने भी लोग फाइवर पे काम कर रहे हैं वो सारे के सारे एट सम पॉइंट बिगनर्स थे। हम सब कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। जब उनको मुश्किल नहीं हुआ तो आपको क्यों होगा? हाँ मुश्किलें आती हैं लेकिन आप मुश्किलों को जो है ओवरकम भी कर लेते हैं। स्टार्ट में प्रॉब्लम होती है अगर आप ठीक तरीके से काम नहीं करते। अगर आप ठीक तरीके से काम कर रहे हैं तो आपका जो वेट करने का पीरियड है ना वो कम हो जाता है। मीन्स एक स्किल के हम सात गिग्स तक बना सकते हैं। एब्सोल्युटली आप एक स्किल के साथ बना सकते हैं। सैरिश आप ग्राफिक्स में काम करें, दैट इज रियली गुड। ग्राफिक्स में मेरी अपनी स्किल जो है ग्राफिक्स है, मैं ग्राफिक डिजाइनर। लास्ट 11 ईयर से जो है मैं ग्राफिक्स में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरी जो एक्सपर्टी है वो प्रेजेंटेशन है। सब कुछ डिजाइन कर लेते हैं सारे लोगों के, लोगों कर सकते हो अपनी मर्जी से नहीं करते बिकॉज दिमाग बहुत लगता है। सो ग्राफिक्स में मजे की बात यह है कि हर टाइम पीरियड पे ना आपके लिए कोई ना कोई काम निकल आता है। जैसे मैंने बताया कि जो ये 2020 का ईयर है, इट इज अबाउट वीडियो एडिटिंग, इट इज अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग, इट इज अबाउट कंटेंट राइटिंग। इन तीनों स्किल्स को एक चीज कॉमन चाहिए और वो है ग्राफिक डिजाइन। कितने मर्जी अच्छे आप होते हैं ना कंटेंट राइटर, लेकिन आपको अपना ब्लॉग पोस्ट करने के लिए, आपको अपना ब्लॉग अपडेट देने के लिए ग्राफिक चाहिए होता है। वीडियो एडिटर को क्या चाहिए होते हैं? ग्राफिक्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग चलती ही ग्राफिक्स पे, आपने एड प्लेस करना है, फेसबुक पे करना है, इंस्टा पे करना है, कहीं भी करना है, आप ग्राफिक के थ्रू अपना एड प्लेस करते हैं। सो ग्राफिक इसलिए इतना मजे का स्किल है कि कोई भी टाइम पीरियड चल रहा हो ना इसके प्रोजेक्ट्स जो है वो उसी तरह रहते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्टली चूज करें। जैसे लोगों का काम आपको आजकल नहीं मिलेगा, आपको वेबसाइट डिजाइन का काम बहुत कम मिलेगा, आपको ब्रोशर डिजाइन का काम बहुत कम मिलेगा बिकॉज ये सब स्किल्स आउटडेटेड हो गई है ना। सो आपने अपने स्किल सेट को अपडेट करना होता है, स्किल सेट को नहीं बेसिकली अपने नॉलेज को कि आपने कौन से स्किल्स प्रोवाइड करने हैं। मैम 2 मिनट्स रिमेनिंग। जी लारे क्या कह रही हैं? मैम आप जल्दी से क्वेश्चन सेशन वाइंड अप करने को 2 मिनट रह गए हैं। ठीक है ठीक है, इट्स ओवर। मैंने मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। अगर आपको इसको ओवर करना है तो आप लोग जो है वो इसको ओवर कर दें, बट स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के क्वेश्चन